आज की कविता में बात अनुज लगुन के नए कविता संग्रह पत्थलगड़ी की, और जो पहली कविता मैंने अनुज लगुन की ली है उसका शीर्षक है अभी और रात बाकी है दोस्त। अभी और रात बाकी है दोस्त, अभी और चांद बाकी है, तारे बाकी हैं, आसमान बाकी है, कास के सफेद फूलों का चमकना अभी और बाकी है। तुम जो कह रही थी यह आखिरी रात है बिछड़ने की, अगली सुबह तक किस्सों को बुन लेने की, उसके बाद फिर से निकलना होगा, उसी कंधे पर लोहे का भार ढोकर चलना होगा, ऊबड़ खाबड़ पगडंडियों पर भिड़ना होगा घात लगाए शत्रुओं से। तुम जो उदास हो रही थी विदा होते हुए कि ये जो रात है आखिरी है साथ होने की, अभी तो और रात बाकी है दोस्त, अभी और खेत बाकी हैं, हल बाकी है, बीज बाकी हैं, लोहे के पहियों पर बैलों की घंटियां बाकी हैं। तुम जो कहती थी कि नासूर सी है ये दुनिया, इसे ठीक करना है लोहारों के बनाए औजारों से, हंसिया से, सनसी से, कुदाल से, स्त्रियों की भाषा से, दलितों की रेती जरूरी है गठिया गए वर्ण वृक्ष को काटने के लिए। तुम तो रीत जाती थी आदिवासियों को नाचते हुए देखकर, महाकाय धन पशुओं के खिलाफ लामबंद होते देखकर, तो फिर उदास क्यों हो जाती हो दोस्त? अभी वो रात कहां आई है दोस्त, जिसकी यातना की पट्टियां खुल गई हों, जिसकी डोर अंधे कुएं में गिरे सूरज तक पहुंची हो। अभी तो और पहाड़ बाकी हैं दोस्त, अभी और बात बाकी है, विचार बाकी है, इंतजार बाकी है। ये जो रात है विदा की आखिरी नहीं है, चांदनी और साजिशों की पच्चाप से भरी हुई, इससे गुजरे बिना अधूरे होंगे मिलन के किस्से। अगली कविता जो मैंने चुनी है उस कविता का शीर्षक है विश्व विरासतों के लिए 2 मिनट का मौन। मैं मिस्र के पिरामिड से होकर आया हूं, चीन की दीवार पर मैं घोड़े दौड़ा कर आया हूं, मैंने एफिल टावर की ऊंचाई मापी है और प्रेमिकाओं को उपहार देने के लिए मैंने कई बार ताजमहल की बात सुनी है। ऐसे ही ना जाने कितनी ही इमारतें हैं जिनकी कलाओं पर रीच कर मैंने। द्वारा घोषित विश्व विरासतों की याद आई, मैंने फिर से उन औरतों को याद किया जिन्होंने अपने गर्व से सभ्यता के ऊंचे प्रतीकों को सांस दी। आज उन्हीं इमारतों के दंभ को देख रहा हूं, वे हिल नहीं रही हैं अपनी जगह से, उन्हें कभी शिकायत नहीं होती, भूखे पेट सोने की, और उनके बच्चों को कभी अपना बचपन बेचना नहीं पड़ता जबकि मजदूरों की टोली जड़ से उखड़। जिन्हें लोग मजदूर कहते हैं वे सभ्यता के पीकदान पर ठगे हुए भूखे होते हैं, उनकी गरमा छिलकों की तरह उतार कर अकादमी के आवरण पर छाप दिया जाता है, महान रोमन साम्राज्य की दीवारों पर लगे धब्बे उनके खून के छींटे हैं, और वैदिक सभ्यता में हवन कुंड से बाहर वे शूद्र हैं। वे चल रहे हैं सड़कों पर और सड़कें डर रही हैं अपनी मंजिल से, वे सदन से जंगलों की तरफ मुड़ सकते हैं, वहां हरे रंग के जुगनू होते हैं जिनकी देह में उधार की रोशनी नहीं होती। मैं विश्व विरासतों के लिए 2 मिनट का मौन चाहता हूं, उनकी मरी हुई नींव से मैंने फिर से मजदूरों को दूर होते हुए देखा है। अल्पसंख्यक, ये शीर्षक है अगली कविता का, अनुज लगुन की कविताएं मैं आपको सुना रहा हूं। अल्पसंख्यक, उनकी संख्या कम होती जाएगी, वे आस्था और भक्ति के जबड़े पर तिनकों की तरह होंगे, तर्क की कब्र पर उन्हें चबाया जाएगा जब इंद्रधनुषी छवियां गढ़ी जा रही होंगी, उन्हें धकेला जाएगा अंधे कुओं में, अपनी भाषा में बोलना उनके लिए अपराध होगा, क्रूरता और हिंसा के सामने वे अल्पसंख्यक होंगे। धर्म का होना अल्पसंख्यक होना हो सकता है, जाति का होना अल्पसंख्यक होना हो सकता है, नस्ल या रंग का होना अल्पसंख्यक होना हो सकता है, लेकिन ये सब गैर जरूरी हो जाएगा।
अल्पसंख्यक होना आदिवासी होना नहीं होगा, अल्पसंख्यक होना मुसलमान होना नहीं होगा, अल्पसंख्यक होना हिंदू होना नहीं होगा। जो सच को सच की तरह बोलेंगे वे अल्पसंख्यक होंगे, जो सवाल करने वाले होंगे वे अल्पसंख्यक होंगे। न्यायालयों तक उनकी आवाज नहीं पहुंचेगी, प्रायोजित भीड़ उन्हें भेड़ियों की तरह चौराहों पर नोचेगी, वे बूटों से रौंदे जाएंगे, सगे संबंधी चुप रहने की सलाह देंगे। अल्पसंख्यक होना बेफायदे की बात होगी, अल्पसंख्यक होना साहस की बात होगी। ये अनुज लगुन की कुछ कविताएं हैं जो उनके नए कविता संग्रह पत्थलगड़ी से हमने ली हैं। अनुज लगुन साहित्य का युवा पुरस्कार प्राप्त कवि हैं और बहुत खूबसूरत कविताएं लिखते हैं और आदिवासी समाज उनकी कविताओं में प्रमुख होता है। आखिरी कविता मैं उनकी सुना रहा हूं जिसका शीर्षक है गांव हो जाना तुम और मैं शाम। अब जबकि शहर होना ही मुहावरा हो गया है जीने का, तुम एक आदिवासी गांव हो जाना और मैं शाम। रुमानियत वाली उन तस्वीरों को छोड़कर जिसमें कुछ चरवाहों को मवेशियों के साथ पगडंडी पर लौटते हुए दिखाया जाता है। तुम बन जाना एक औरत थके हुए चेहरे पर धरती का सुकून लिए हुए। तुम चलो आत्मविश्वास के साथ ध्यान की क्यारियों पर और कहो पहाड़ों से औरत हो जाने के लिए उन्हें भी खेतों में गीत गाना चाहिए। लौटना तुम अलाव की ओर और बच्चे तुम्हें घेर कर जिद करें कंदमूल कोई सिझा देने के लिए और तुम मुस्कुरा कर पढ़ा दो उनकी तरफ पेंसिल और कागज। थोड़ी चपत बिल्ली को लगाना और थोड़ी झिड़की अपने कुत्ते को भी। कहना सबसे कि बिना कमाई कुछ नहीं मिलता, केवल दुम हिलाने से कुछ नहीं होता। जबकि अब आदमी होना भाषा की मर्यादा नहीं रही, तुम अखड़ा हो जाना, बजनिया नचनिया गवैया सहैया कुछ भी हो जाना। सैन्य निगरानी के जवाब में संवाद की परिभाषा में शामिल हुए बिना संभव नहीं है गणतंत्र का होना। बहुत जद्दोजहद है जीने में, बहुत पैसा है हंसने में गाने में खाने में पीने में। शहर होने के इस मुहावरे से अलग तुम होना गांव अपने अंदर। मैं उतरूंगा शाम बनकर, तुम सिमटना मुझ में, मैं पसर जाऊं तुम पर और तुम उतार लाना तारे मेरी बाहों में। तुम होना जंगल का एक गांव, एक आदिवासी होना और उछाल देना ग्लोब को मादल की दिशा में। तो ये कविताएं युवा कवि अनुज लुगुन की हैं जो उनके इस नए कविता संग्रह पत्थलगड़ी से मैंने ली हैं। ये कविता संग्रह भी हाल ही में वाणी प्रकाशन से आया है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसकी कविताएं आपको सुनाऊं। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार प्राप्त कवि अनुज लुगुन की ये कविताएं हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आज के लिए बस इतना।